7:20 हो रहे हैं और चैलेंज जो दिया था वो मुकम्मल हुआ अल्लाह के फजल से। अल्लाह वाहिद अलकहार के बादलों के साथ, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाद मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। मगरिब का टाइम हो भी चुका, सूरज गुरूब हो चुका और बातिल खुदाओं को नेस्त नाबूद कर चुका, और अल्लाह ने साबित किया प्रैक्टिकल के ज़रिए, अपने दस्तखत के ज़रिए, अपने साइंस के ज़रिए कि वो लेजेंड के सर पे बादलों को ले आता है और अपना नाम लिख के दिखाता है और झूठे खुदाओं की औकात दिखाता है और गैर मुस्लिमों को सत्यानाश करता है। हाँ, उखाड़ लिया तुम लोगों ने कुछ, तुम्हारे बाप में दम नहीं है बारिश करा सको, तुम्हारे बाप में दम नहीं है पानी का कतरा बरसवा सको। जिन चीज़ों पर तुम उछलते हो ना, जिन चीज़ों की तुम धमकियाँ देते हो मुसलमानों को, अबे दो कौड़ी के हुंडो, ज़मीन के हुंडो और बेगरतियाँ मचाने वालों, अपने झूठे खुदाओं के नाम पे आर्मी खड़ी करने वालों, झूठे खुदाओं के नाम पर मुसलमानों को डराने वालों, तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं है शैतान के कुत्तों। तुमने क्या समझा मुसलमान बुजदिल हैं, बेगैरत हैं, चुप करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गालियाँ सुनते रहेंगे? तो देख लो मैंने हशर क्या किया तुम्हारे झूठे खुदाओं का, देखो मैंने क्या हशर किया तुम्हारे झूठे मजाहब का। तुम्हारी औकात नहीं हो सकी लाहौर शहर पे पानी बरसवा सको, पानी बरसा सको। कैसे, क्यों, औकात दिखा दी ना? कल बारिश हुई अल्लाह के हुक्म से, दस्तखत आए, अभी भी दस्तखत आए थे, और ये इख्तितामी है अल्लाह के फजल से। रूहानी लानत के साथ फिज़िकल लानत भी वसूल करो, जो तुम लोग सोशल मीडिया पे एक्स मुस्लिम बन के, मौलिद बन के, मुनाफिक बन के भोंकते हो। तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है लेजेंड के कामों से, है ना, बहुत तकलीफ़ होती है कि अल्लाह का प्रचार करता है और झूठे खुदाओं का सत्यानाश करता है। तो जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हारी तो बादल खुदाओं की मौत मेरे हाथों हो चुकी अल्लाह के फजल से। वो देख लो बादल अल्लाह के, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल वाहिद अलकहार व रब्बुल जलाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औकात है तो देख लो गौर से, अबे गौर से देख लो, औकात है तो कुछ और भी देख लो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। लेजेंड ऑफ अल्लाह बाद मर्सी ऑफ अल्लाह बाद में समझाएगा, अभी तो फुटेज बना रहा है। तो बताओ ना किधर मर गए राम विष्णु कृष्ण हनुमान ज्यूस थोर? आज तो मैं बोलूँगा मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक हफ्ते का चैलेंज मेरा मुकम्मल हो गया, दिन हो गया बस, अभी अंधेरा हो जाएगा ख़त्म दिन, चलो रात के 12 बजे तक एक्सटेंशन में भीग देता हूँ। किस में, एक्सटेंशन में, रात के 12 बजे तक एक्सटेंशन में भीग है तुम लोगों के लिए। जाओ जाओ, अभी भी कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लो। सिर्फ 7:23 हुए ना, 8 बजने के बाद 4 घंटे और 40 मिनट 37 मिनट, उफ अल्लाह 4 घंटे 37 मिनट समथिंग कुछ, बस इतनी देर, कहाँ एक हफ़्ता, कहाँ ये, कल भी देख लिया क्या हुआ, तुमसे तो हो नहीं सका। लेजेंड आ गया तो अल्लाह ने फिर करके दिखा दिया कि ले देख लो, तुमसे तो नहीं हो सकता लेकिन अल्लाह से हो सकता है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है। अब मुझे बता दो कि ये जो हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, जुदिज़्म, सिखिज़्म, पारसीज़्म, कादियानीज़्म और ये जो तुमने जितने छेड़े छपाड़े अपने ज़मीन पर फैलाए हुए हैं, हाँ वो शैतान के कुत्ते हैं जो इस्लाम के नाम पर अपनी बीवियों के साथ बुरे सलूक करते हैं, इस्लाम के नाम पर ख़ुद को खुदा बना के बैठे हुए हैं, इस्लाम के नाम पर कत्ल वारत करते हैं, इस्लाम के नाम पर धमकियाँ देते हैं। मेरे पास बड़े केसेस आते हैं, ख़वातीन के तो बहुत केसेस होते हैं, उनके जो मर्द हज़र आते हैं इनमें भी ये जो कलमा पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे तबलीगी बने फिर रहे होते हैं, घरों में बीवियों के साथ जुल्म सितम करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों के ऊपर हुक्मरानियाँ दिखाते हैं, खुदा बने हुए बैठे हुए ये लोग ज़मीन के। इन कुत्तों के भी बहुत केसेस मेरे पास आते हैं इनके नामों पर, इनकी बीवियाँ शिकायतें करती हैं, बताती हैं इनके बीवियों के साथ कैसे कैसे घटिया सलूक कर रहे हैं। अबे अभी परिंदों के पास से होकर आया, परिंदे वाला भी परिंदों को रखता है, खाना पीना देता है और ख्याल रखता है, तकलीफ़ देने का तो उस परिंदे को भी जो है ना इख्तियार नहीं है, उस बंदे को, किसी को जो कलमा पढ़ने का दावा करता हो कि मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पर और फरिश्तों पर और आखिरत पर, हाँ आखिरत में दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी बुरे अमल के बदले, तो तुम्हें तो यकीन ही नहीं है। तो मैं तो बता रहा हूँ इन जैसे शैतान के कुत्तों की औकात जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को दागदार बना रहे हैं और अपनी बीवियों को इस्लाम से बदजन कर रहे हैं, फिर उनकी बीवियां कंपेयर करती हैं बैठ के कि वो गैर मुस्लिम अच्छे किरदार वाला तुम जैसों से ज़्यादा बेहतर है, तो वो क्या करेगी, उनकी बीवियों को इस्लाम जो है ना बुरा लगने लगता है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये बेगैरत शैतान के कुत्ते हैं ये लोग, ये इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे, ये कुरान पर अमल नहीं करते, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये मुनाफिक भी है बल्कि उससे भी बदतर है। लेकिन मुनाफिक तो इसलिए कहता हूँ
कि ये वो लोग हैं जो दो नंबरियां करते हैं। तो तुम किस खाते में हो, सोचो तो सही, तुम किस खाते में हो? तुम्हारे तो कोई खाता ही नहीं बनता ना। तुम्हारा खाता तो इसलिए नहीं बनता क्योंकि तुमने तो मतलब झूठे खुदाओं के नाम पे मारपीट लगाई हुई है। गजा में क्या किया तुम लोगों ने? तुम्हारे बाप दादा हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, वो भी तो यही यावे के नाम पे मार रहे हैं। ये ईसाइयों ने क्या किया मुसलमानों के साथ? जीसस के नाम पे किया ना। ये राम कृष्ण के विष्णु के नाम पे क्या किया तुम लोगों ने? ये इंडिया के अंदर और इससे पिछले इतने लोगों के अंदर कितनी तुमने आबादियां ख़त्म कर दी, कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, मिसाइल मार के, आर्मी के जरिए लड़वा कर और कत्लो गारत करा के, गोलियों से भून के और रेप कर दिया, नंगा कर दिया औरतों को, चीर फाड़ के रख दिया। क्या करते हो तुम लोग? तो दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की अल्लाह के सामने। उठा के ज़मीन पे पटक दे, जलजल आके गरक कर दे, आसमान से अजाब बरसा दे, आग से जला के राख कर दे, पत्थरों को बरसा के कुचल के रख दे तुम लोगों को। तुम्हारी औकात क्या है अल्लाह के सामने? उछलते किस बुनियाद पर हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी आर्मी तुम्हें बचा लेगी? तुम्हें तो लगता है तुम्हारी आर्मी तुम्हें अल्लाह से बचाएगी? अबे तुम्हारी आर्मी की औकात कुछ नहीं है अल्लाह के सामने। अल्लाह की आर्मी पता भी है तुम्हें? अबे एक पर मारेगा ना फरिश्ता आके तुम्हारी पूरी आर्मी ज़मीन में गड़ जाएगी। अल्लाह की आर्मी के तो मुकाबला करने की सोचना भी नहीं, तुम्हारी सोच भी नहीं है उसकी आर्मी कितनी है। एनीवे मेरा इतना गुस्सा करने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं भी तो अपनी भड़ास निकालूँ ना। तुम लोगों ने जो इतने मुसलमानों को कत्ल किया और मुस्लिम औरतों के साथ ज़्यादतियाँ की और मुस्लिम औरतों के ऊपर जो मर्दानगी दिखाने की तुम लोग औकात दिखाते हो, तो अब मर्दानगी दिखा देना मर्द के सामने। मर्द का बच्चा तो अब तुमसे लड़ने आया है सोशल मीडिया के थ्रू और फिजिकल वर्ल्ड में डेमोस्ट्रेशंस करके दिखा रहा है तुम्हें। फिजिकल तौर पे, रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे, टेक्निकल तौर पे, इमोशनल तौर पे बेबस कर रहा है। इतनी दो कौड़े की औकात नहीं थी कि पानी गिरवा सको। तुम क्या पीधी और पीधी के शोर पर उछलते हो कि अल्लाह से तुम जो है ना इख्तियार छीनोगे और अल्लाह के खिलाफ भौंकते हो कि वो खुदा नहीं है? तुम कुछ नहीं हो उसके सामने, पानी का खतरा टपकवा नहीं सकते अपने झूठे खुदाओं से, और चलो अल्लाह को चैलेंज करने। अब मुझसे तो पहले चैलेंज जीत सको। एक हफ्ते के चैलेंज देके, एक हफ्ते के चैलेंज से तुम्हें शिकस्त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st century कुल्ले आम डंकी की चोट पे कहता हूँ, मैं हूँ लेजेंड ऑफ अल्लाह ज़मीन पर और अल्लाह मेरी सपोर्ट पर है और अल्लाह ही मेरे साथ है और वो मेरी मदद करके तुम लोगों को जलील और रुसवा करता है मेरे हाथों। आगे समझ, मैंने चैलेंज दिया, मेरे एफर्ट्स थे, कामयाबी अल्लाह ने दी है और ऐसी कामयाबी दी है पूरे जून का महीना, निशानियों दर निशानियाँ दर निशानियाँ और अल्लाह के दस्तखत पे सिग्नेचर दस सिग्नेचर दस सिग्नेचर। अब बुलाओ कौन माइका लाल मुझसे मुकाबला करेगा जून के महीने के? आ जाओ अब तुम्हारे शहरों में जो गर्मियों के तूफान चलेंगे जब भी अल्लाह के हुक्म से, तो बुला लेना अपने झूठे खुदाओं को कोई पानी बरसवाने के लिए। तुम्हारा बाप नहीं बरसवा सकता, ये तो मैंने साबित किया ना, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की मदद से किया। अभी भी अल्लाह के बादल हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जो चाहे करता है। या अल्लाह आपके बादल, आपके लश्कर मगरिब का टाइम, इन झूठे खुदाओं की रुसवाई लेजेंड के हाथों, बाद मर्सी ऑफ अल्लाह। सो बेटा आइंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकना मत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के खिलाफ मत भौंकना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के खिलाफ मत भौंकना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत फातिमा ज़ोहरा, हज़रत आयशा सिद्दीका और सहाबा कराम और औलिया कराम, आमाए कराम, जिन लोगों ने जितनी मेहनत की है उन लोगों ने अपने इखलास के साथ मेहनत की है। बाकी जितनी भी बदयानती है तारीख़ के नाम पर, वो उन खबीसों ने और जाहिलों ने की है जिन्होंने इस्लाम के नाम को सिर्फ मिसयूज़ किया। मेरा ये काम नहीं कि मैं शरीयत के ऊपर फतवे दूँ, फतवेबाजी करूँ, कुरान और सुन्नत के उस बुनियाद पर सब कुछ करूँ। मेरा सिर्फ एक काम है कि इस ज़मीन पर ये बात हमेशा के लिए डंकी की चोट पे झंडा गाड़ के साबित कर दूं और ऐसा झंडा गाड़ूं जिसको ज़मीन से उखाड़ ना, तो क्या हिला भी कोई ना सके, वो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो मैं कर चुका हूँ, मैंने तो बहुत कुछ करके किया है। इस दफ़ा ज़रा स्पेशली हुआ है, बादलों का बादशाह लेजेंड के साथ आया, इस सीरीज़ के साथ ही हुआ है, और भी बहुत कुछ बाकी है, हो रहा है तैयार, आऊँगा अपने वक्त पर द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ। सो ये गेमिंग थी मेरी और अल्लाह के भरोसे पे थी, कामयाबी देने वाला तो अल्लाह, थैंक यू या अल्लाह, बड़े ज़बरदस्त कामयाबी है। ठंडी हवाओं को मैं ले रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ और इनकी औकात इनको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ज़ाहिर है सामने तो मैं बात करूँगा ना, अल्लाह ख़ुद तो आगे लड़ाई नहीं करेगा। ज़मीन पर इंसानों को भेजा, इंसानों को करना है, इंसानों को इंसाफ कायम करना है, इंसानों को बोलना है बुराई के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, और हक बात करनी है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी आखिरी नबी नहीं है। तो उनकी ज़मीन पर औकात मत दिखाओ, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो या फिर
जिल्लत का अजाब भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझे कहते हो बारिश बरसवा के दिखाओ एक महीने तक, तुम पानी का एक कतरा ही बरसवा के दिखा दो आसमान से अगर तुम सच्चे हो। और बुला रहे हो अल्लाह के सिवा, अपने जितने भी झूठे खुदाओं को बुलाना है और उनके दस्तखत के साथ करवा के दिखाओ। अल्लाह हू अकबर। जून 2024, यादगार है पाकिस्तान, बताता हूँ तुम सबको मैं अब अल्लाह की मदद से। अल्लाह हू अकबर। Mare sa ni sa re ma pa pa ga sa da ni pa ma.